अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का वक्त है, आज नेका फिर घर पे थी तो मैंने उनको ही लगा दिया वीडियो बनाने पे। मैंने कहा मेरी वीडियो बनाओ, तो मैं थोड़े बर्तन है उनको धो रही हूँ, धो के बर्तन झाड़ू लगा ली हूँ। झाड़ू मैंने पहले लगा चुकी थी लेकिन ये हो जाए, कुछ खाया था बिस्किट वगैरह तो वो गिरा दिया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा झाड़ू लगाना पड़े, नहीं तो वो पैर में चिपकता है तो अच्छा नहीं लगता है। और हमारा यहाँ का देखिए सारा कारपेट ख़राब हो रखा है, ये आप लोग इसको इग्नोर करें कि मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा बजट बनेगा तो हम बनाएंगे, तो इसके वजह से झाड़ू लगाने में भी दिक्कत होती है, थोड़ा कोने में फंसते हैं तो इसकी वजह से मुझे झाड़ू लगाने में भी दिक्कत होती है। तो मैं साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा साफ़ कर लूँगी। बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, गिराते रहते हैं, तो बार बार मुझे साफ़ करना पड़ता है। अब बच्चों को कौन समझे, वो जहर तो ज़्यादा समझते नहीं है, इसकी वजह से उनको कितना भी समझा लो तो, लेकिन फिर भी। और आज देखना ये भी लेट रहे, आराम से सुकून से भी टीवी देख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आज दावत में जा रहे हैं, क्योंकि आज मैंने दोपहर का खाना वगैरह कुछ करा नहीं था तो इसलिए वीडियो भी नहीं बनाई। तो अब जा रहे हैं हम लोग आज दावत में, पड़ोस में एक है उनकी शादी है, हमारे मतलब है बिरादर के उनकी लड़की की शादी है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बच्चे इतना खुश हैं, आज उमर भी स्कूल नहीं गए थे क्योंकि पता नहीं लेट उठे वो गए नहीं, हमें वैसे वीकनेस सी लग रही थोड़ा आँखों में उनके, पता नहीं क्या हो रहा था, रेड रेड आँखें हो रही थी, तो स्कूल नहीं गए वो। और उसके बाद ये सब लोग तैयार हो गए, रेडी हो गए हैं, और जो बस जाने का ही देरी है, नहीं तो सब लोग रेडी हो गए। बस मेरी देवरानी जो फुल्का पहन रही है, और उसके बाद हम लोग निकल लेंगे यहाँ से। और ये अबू सर कैमरा ऑन होते ही हाई करना शुरू करते हैं, और उधर भी देखिए सब लोग तैयार हैं, उन्हें का कह रहे हैं जल्दी चलो, उन्हें का भी तैयार हो गई माशाल्लाह, सब अच्छे लग रहे हैं घर के लोग। अम्मी पड़ोस में आंटी उनको बुलाने जा रही हैं, अगर वो भी चलेंगी हमारे साथ तो हम लोग सब एक साथ चले जाएंगे। और ये उमर और जैफ और हमारे देवर तीनों जाएंगे बाइक से, हम लोग जाएंगे ई रिक्शा से। हम लोग बहुत फंस के बैठे थे ई रिक्शा में क्योंकि हम लोग सब नहीं आए थे, वो पड़ोस में जो आंटी हैं वो भी आ गई थी, तो इसकी वजह से बहुत फंस के बैठे थे। और ये हम पहुंच गए हैं लॉज में, देखिए कितना बेहतरीन लॉज है। और यहीं पर आस नीचे ही कोने पर यहाँ पर नाश्ता लगा हुआ था, और ये यहाँ पर हम बैठे, अभी दुल्हन आई नहीं थी, ब्राइडल जो है वो रेडी हो रही थी। उसके बाद बारात भी आ गई, देखिए थोड़ा सा क्लिप लिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी का कोई ऐतराज़ हो किसी को वीडियो में लेना वेना, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ले ली है सबकी। उसके बाद हमने खाना वगैरह नाश्ता कर लिया था पहले, फिर ना खाना खाया है, नाश्ते की वीडियो बनाई नहीं थी, हम वापस आने लगे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, खाने में कौरमा था, जर्दा बिरयानी थी, नाश्ता चिकन वही टिक्की चाउमीन पड़ा गई, नाश्ता ये सब था, सब चीज़ खाया हमने पिया, बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ मेरी। और हम लोग फिर हम घर आने लगे हैं मेरी वीडियो पे। जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।